नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MR एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी इसकी परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसकी जो परीक्षा तिथि वो 22 जून रखी गई है। पूरी जानकारी देख रहे थे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 22 जून को किया जाएगा। देख सकते हैं हम दोस्तों, बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए आवेदन भरे जा चुके हैं। लंबे समय से अभ्यर्थी परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। यह परीक्षा एक पारी में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी, यानी जो आपकी परीक्षा है दोस्तों वो सुबह की पारी में होगी और एक ही पारी में होगी। 10 से 1 बजे तक आपकी जो परीक्षा है वो इसके अंदर होने वाली है। परीक्षा में उत्तर का 5वां विकल्प रखा गया है। अनुत्तरित प्रश्न के लिए 5वां विकल्प भरना होगा। 5ों विकल्प में से कोई भी विकल्प या गोला गहरा नहीं किया गया तो इस प्रश्न के अंक का एक तिहाई भाग काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसा राजस्थान की जो परीक्षाओं में शामिल किया है 5वां विकल्प, तो उसके हिसाब से ही आपका जो प्रश्न पत्र है वो इसके अंदर आने वाला है और 5वां विकल्प भरना भी इसके अंदर कंपलसरी है। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने पर इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी 10% से अधिक प्रश्नों पर अगर आप जो 5वां विकल्प है उस पर गहरा गोला नहीं करते हैं तो आपको इसमें अयोग्य मान लिया जाएगा। तो ये दिशा निर्देश आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी जो परीक्षा है वो 22 जून को होने वाली है, पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती की। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए।